40 करोड़ थी जब पाकिस्तान बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ हो, बिलावल जरदारी हो या इमरान खान हो, सभी अपनी तकरीरों के दरमियान बोंगियां जरूर मार देते हैं और ये बोंगियां इनकी तकरीरों से भी ज्यादा वायरल हो जाती हैं। खान साहब ने वकला से खिताब करते हुए अपनी फिलासफी कुछ यूं जाड़ी कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त हमारी आबादी 40 करोड़ थी। जरा देखिए ये मुख्तसर सी वीडियो। 40 करोड़ थी जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 करोड़। खान साहब को जब उनकी गलती का एहसास दिलाया गया तो खान साहब ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खुद ही शर्मिंदा से होकर रह गए। स्लिप ऑफ टंग तो अक्सर हो जाया करता है, लेकिन इनकी जुबान तो मुसलसल फिसलती ही रहती है। यहाँ तक कि ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम के हवाले से भी जुबान फिसला दिया करते हैं। पाकिस्तान का 70% हिस्सा इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और इन सियासी मस्खरों को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला हुआ है। ये सैलाब ज़दा इलाकों में फिल्माए गए सीन सोशल मीडिया पर वायरल करके इस वक्त सोशल मीडिया पर हीरो बन रहे हैं और आए उसी लम्हे जब पाकिस्तान के 3 करोड़ लोग सैलाब में डूब रहे हैं, ये मुख्तलिफ कन्वेंशंस के जरिए अपने सियासी मुखालफीन पर जुगते करते हुए नजर आते हैं। इन सियासी मस्खरों की असलियत पहचानिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन।